यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए संपादकीय पढ़ना जरूरी है। देखिए, मोहम्मद की दुकान पर नफरत का माल, इसमें देखिए कितना अच्छा से विश्लेषण किया गया है। आप देखिए कि यदि उदय निधि का जो द्वेष भरा बयान अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हेट स्पीच क्या है, यानी अगर हिंदू कुछ कह दे तो हेट स्पीच है, और वही विपक्षी मुसलमान ईसाई कुछ कह दे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाती है। कैसे, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि राजनीतिक मजबूरियां राजनीतिक दलों से क्या क्या नहीं करवाती हैं, इसकी कल्पना करना कठिन है। 1997 में जब इंद्र कुमार गुजराल की साझा सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, ध्यान से समझिएगा, तभी राजीव गांधी हत्याकांड की जांच कर रहे जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट लीक हो जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश करने वालों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक प्रमुख करुणानिधि को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए। जब द्रमुक के कई नेता गुजराल सरकार में मंत्री थे तो कांग्रेस ने कहा कि इन सभी मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। गुजराल ने इनकार कर दिया। नतीजे में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, समझिए इस चीज़ को, और सरकार गिर गई। देश में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, पर बाद में यही द्रमुक कांग्रेस की एक मजबूत सहयोगी बन गए। YINDIA यानी इंडिया का एक प्रमुख घटक भी है। अब करुणानिधि के बेटे M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटे उदय निधि मंत्री हैं। बीते दिनों उदय निधि ने क्या कहा कि उदय निधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म जो है मलेरिया डेंगू कोरोना की तरह है, इसका विरोध नहीं बल्कि खात्मा किया जाना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा ये जो है, क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है या हेट स्पीच है, आप ही कमेंट में बताइएगा। अब इसके बाद देखिए, उनके इस बयान पर जब तीखी प्रतिक्रिया आई तब भी वह अपने कथन पर अडिग रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए उनकी पार्टी क्या करेगी। इसलिए जानना कठिन है कि वह किसी वैक्सीन का सहारा लेंगे या कोई रसायन या औषधि तैयार कराएंगे। वह कुछ भी करे, मगर यह आश्चर्यजनक है कि ममता बनर्जी को छोड़ के इंडिया के घटकों में किसी बड़े नेताओं ने उदय निधि के नफरती बयान की निंदा नहीं की है। लालू यादव, नीतीश कुमार से लेकर हनुमान भक्त, अखिलेश यादव, शिव भक्त, राहुल गांधी भी मौन साध गए। यह जरूरी नहीं कि राहुल हर मुद्दे पर कुछ कहें भी, पर उनका मौन इसलिए हैरान करता है क्योंकि वह मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं। क्या उन्हें इसका भान है कि उनकी इस दुकान के एक भागीदार उसमें कितना नफरती माल बेच रहे हैं? क्या उदय निधि का बयान वाकई जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के नारे के अनुरूप है? कांग्रेस के एक दो नेताओं ने उदय निधि के बयान से असहमति जताई। कुछ ने उनका न केवल बचाव किया बल्कि उन्हें सही भी ठहराया। उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे, पी चिदम्बरम के पुत्र कीर्ति चिदम्बरम प्रमुख हैं। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने एक तरह उदय निधि का समर्थन करते हुए कहा कि हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि सभी दलों को अपनी बात कहने की आज़ादी है। साफ है कि उदय निधि के बयान पर अभिव्यक्ति की आज़ादी की चादर डाल दी। यदि उदय निधि का द्वेष भरा बयान अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो फिर हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच पर हल्ला मचाने वाले सेक्युलर लिबरल तत्वों की चुप्पी भी गौर करें। ऐसा लगता है कि उन्हें सांप सूंघ गया है। अपने बयान पर अड़े उदय निधि का कहना है कि सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात इसलिए की क्योंकि वह समानता और सामाजिक न्याय का विरोधी है। द्रमुक खुद को सामाजिक न्याय का चैंपियन बताता है, लेकिन करुणानिधि के बेटे, बेटी, पोते, भांजों समेत करीब आधा दर्जन लोग राजनीति में सक्रिय हैं। क्या इससे सामाजिक न्याय को बल मिल रहा है? जहाँ तक समानता की बात है तो इससे इनकार नहीं है कि हिंदू समाज में जाति भेद है, लेकिन इस समस्या को न केवल स्वीकारा जाता बल्कि न जाने कब से उसके लिए खिलाफ लड़ाई भी लड़ी जा रही है। इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। जाति भेद की बुराई को ख़त्म करने का अभियान के तहत काफ़ी कुछ हासिल किया जा चुका है, लेकिन अभी और काम करना शेष है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू समाज ही जाति भेद या असमानता से ग्रस्त है। जाति भेद मुसलमान ईसाइयों में भी घर किए हुए हैं। यह बात
और है कि इन समुदाय के नेता धर्मगुरु यह स्वीकार नहीं करते कि उनके यहाँ असमानता है, उनकी पोल खुलती है। इन तथ्यों से मुस्लिम समाज अशरफ अजलफ अजाल में विभाजित हैं। अशरफ उच्च वर्ग के मुस्लिम हैं, अजलफ पिछड़े वर्ग के, अजाल उनसे नीच दलित जैसे। अजलफ और अजाल मुसलमानों को ही पसमानदा कहा जाता है और कई जगह पसमानदा मुसलमान की मस्जिद और कब्रिस्तान अलग है। असमानता ईसाई समाज में भी व्याप्त है। जो दलित पिछड़े हिंदू समानता और सम्मान की चाह में ईसाई बन गए उनके भी गिरजाघर और कब्रिस्तान अलग हैं। यदि ईसाई मुस्लिम समाज में कहीं कोई असमानता नहीं तो क्या कारण है कि जो हिंदू ईसाई और मुस्लिम बन गए वे अपने लिए आरक्षण मांग रहे हैं? दलित ईसाई, दलित मुस्लिम